फ्रेंड्स, मोस्ट वेलकम टू आर चैनल मोहित वीरू ब्लॉग। हम लोग चल रहे हैं इस्कॉन टेम्पल, श्री कृष्ण भगवान श्री कृष्ण जी का बर्थडे विश करने और उनके दर्शन के लिए। दो गाड़ी है, एक पे हम है वीरू है, एक पे उसके वीरू के डैडी है और मोही है, और दोनों हम दोनों पिंकू है। फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं इस्कॉन टेम्पल और बारिश हो रही है, बूंदाबांदी हो रही है चारों ओर। अभी भीड़ कम है, दोपहर का टाइम है, 2 बज रहा है, और जैसे ही शाम होगा ना 4 बजेगा वैसे ही बारिश तेज़ हो रही है और वैसे ही भीड़ भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे शाम होती है ना फ्रेंड्स, वैसे वैसे बारिश करें भीड़ बढ़ती जाती। आ जा, बहुत ही बड़ा शानदार पंडाल सजा हुआ है और यहाँ चप्पल का स्टैंड लगा हुआ है। सब झोले केवल चप्पल ही चप्पल है, सब लोग अपना अपना चप्पल जमा कर रहे हैं। यहाँ पे कमल का फूल बिक रहा है, बहुत ही खूबसूरत, पिंक और वाइट दोनों है। हाँ बोलो बेटा, क्या बोलो? अच्छा ठीक है। और ये मुख्य द्वार, प्रवेश द्वार, लाइन लगा है, बहुत ही लंबा लाइन लगा है। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। बहुत ही खूबसूरत सजावट है फ्रेंड्स। हाँ स्टेप नीचे कर लो बेटा, आप आगे चलिए। च्युतं केशवं कृष्णतारं रामनारायणं जानकीवल्लभं अच्युतं केशवं कौन कहते हैं भगवान आते नहीं, तुम मीरा के जैसे बोलाते नहीं, अच्युत केशव कृष्ण। आओ आओ आओ, अभी उपवास है फ्रेंड्स। अभी दोपहर के 2:30 बज रहे हैं और कपाट बंद है, भगवान जी के आराम करने का टाइम है, तो कपाट खुलेगा 3-3:30 बजे, 1-1.5 घंटे बाद। और ये सभी लोग प्रसाद के लिए लाइन लगाए हैं। मैं अभी नहीं गई हूँ लाइन में, क्योंकि मुझे प्रसाद नहीं, पहले भगवान के दर्शन करूँगी उसके बाद तब प्रसाद लूँगी। तो दोनों बच्चे मेरे यहीं बैठे हैं और हम लोग वेट कर रहे हैं कि बस जब कपाट खुलेगा कन्हैया जी के दर्शन करेंगे, उसके बाद ही तब प्रसाद लेंगे और तब घर चलेंगे। दंडवत प्रणाम लॉर्ड श्री कृष्ण जी को। तो फ्रेंड्स, यहाँ मेरे लड्डू गोपाल जी और राधा जी दोनों लोग पेस्ट्री के मज़े ले रहे हैं, क्योंकि अभी टाइम है शाम की आरती में और बिल्कुल हम लोग आरती लेके जाएंगे। दोनों बच्चों को भूख लगी थी इसलिए हम लोगों ने खिला दिया। और ये है 56 भोग जो लगता है भगवान श्री कृष्ण जी के लिए, तो यहाँ बिकता भी है और प्रसाद में भी मिलता है। जिसको ख़रीदना है ख़रीदो, जिसको प्रसाद में चाहिए प्रसाद में मिलता है। और यहाँ मेरे हस्बैंड जी खड़े हैं, भीड़ धीरे धीरे बढ़ेगी, 4:30 बजे कपाट खुलेगा तो भगवान जी के दर्शन होंगे। वो वीरू बेचारी थक गई है, लेकिन गुलाब का फूल ये मोही सोया है।